कर्नाटक में मुसलमानों की जानिब से जमीर अहमद को डिप्टी सीएम बनाए जाने का मुतालबा जारी है। अरमैसूर में हुबली कपल में एहतजाज किया गया। वाज़ेह हो कि इससे पहले कर्नाटक सुन्नी उलमा बोर्ड ने जमीर अहमद को नायब वज़ीर आला बनाने की मांग की थी और 5 उज़रा का भी मुतालबा किया था। बेंगलुरु कांग्रेस दफ्तर के बाहर जी सलाम के नुमाइंदे ने हालात का जायजा लिया। दिल्ली में वजीर आला कौन बनेगा इसकी चर्चा हो रही है और लगातार इस पर बहसें हो रही है, लेकिन कर्नाटक में जमीर अहमद खान जो चामराजपेट के एमएलए हैं उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का मुतालबा तय दे चुका है। न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि कोपला मैसूर समेत जो है हुबली धारवाड़ कई डिस्ट्रिक्टों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सबका मुतालबा है मुस्लिम कम्युनिटी के लीडरान का कि जमीर अहमद खान को डिप्टी सीएम दिया जाए ताकि मुसलमानों के जो 88% वोट आए हैं उसकी भरपाई हो सके, यानी मुसलमानों को सही नुमाइंदगी मिल सके। यहाँ इस वक्त केपीसीसी बेंगलुरु ऑफिस में भी कुछ लोग आए हैं और यहाँ तमाम लोग नारे लगा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। साहब क्या डिमांड है आपका? देखिए डिमांड है हमारे फॉर्म के रहे पर हमारे फॉर्म के लिए अमीर अहमद खान साहब को डिप्टी सीएम का पोस्ट दिया। क्यों दिया जाना चाहिए? उनकी मेहनत है, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक दिन भी उन्होंने जाके कैनवासिंग नहीं की। 105 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने लगातार दिन रात घूम के मेहनत करके मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म में लेके आने के लिए उनकी बहुत बड़ी मेहनत है। जैसे सिद्धरामैया साहब की मेहनत है, डीके शिव कुमार साहब की मेहनत है, वैसे ही हमारे जमीर अहमद खान साहब की मेहनत है। अच्छा ये बताएं कि जमीर अहमद और भी तो मुस्लिम एमएलएज हैं? जमीर अहमद खान साहब मुसलमानों का चेहरा है, मुसलमानों के एक लीडर है, कौम के एक बड़े लीडर वही है। आज क्रिकेट में किसी भी कोई भी शहर में कोई भी गांव में आप जाके आप पूछेंगे मुसलमानों का लीडर कौन है जमीर अहमद खान का। आप कर्नाटक में कहीं पर ये बताएं कि आपका जो मुतालबा है कि जमीर अहमद खान को डिप्टी सीएम दिया जाना चाहिए, इलेक्शन से पहले भी हो रहा था, अब जोर हो चुका है, लेकिन अभी सीएम ही फाइनल नहीं हुआ है, आप डिप्टी सीएम का मुतालबा करें। हाँ सर, क्योंकि जमीर अहमद साहब की तो बहुत सारी मेहनत है, सारे कर्नाटक में जितनी भी कैनवसिंग हुई ना, जितनी भी सीट कांग्रेस की आई है ना, कांग्रेस सबसे ज्यादा जमीर अहमद साहब की मेहनत है, इसीलिए उन्हें ही सीएम डिप्टी सीएम की सीट देना चाहिए। सिर्फ अगर मुसलमानों को कर्नाटक में कहीं पे भी जाके बहुत सी भी स्टेट में आप उन्हें एमएलए की सीट दो ना, वहाँ पे वो लीडिंग के साथ विनिंग होके आएंगे सर। अच्छा ये बताएं सर, मुसलमानों को आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं, और भी तो तबके हैं, लिंगायत हैं, मक्कन क्या हैं, सबको बनाना पड़ेगा? हमारी ऐसा नहीं है, हमें जमीर अहमद साहब की मेहनत की वजह से हमें आपको हमारा हक पूछ रहे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है, सबको भी देना तो हमारे रूप से ताल्लुक मुसलमानों का हक पूछ रहे हैं। हमें मुसलमानों के वास्ते वो काम किया है, वो हमारे मुताला उनके उन्हें बना के देना था। देखिए जमीर अहमद खान ने तकरीबन 105 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेनिंग की थी, महज एक दिन उन्होंने अपने चामराजपेट में वक्त दिया था। तो यहाँ के जो लोग हैं ये न सिर्फ उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के बल्कि बेंगलुरु के और रियासत भर के मुसलमानों की तरफ से भी आज पूरे दिन मुख्तलिफ जगह पर एहतजाज हुए हैं। तमाम लोगों का यही कहना है कि जमीर अहमद खान को अगर डिप्टी सीएम दिया जाता है तो मुसलमानों को जो एक तरफा वोट है उसकी कहीं ना कहीं हक की अदायगी होगी। तो लगातार जो है ये मुतालबा हो रहा है, लेकिन देखना होगा कि दिल्ली में पहले सीएम का अनाउंसमेंट होने वाला है, उसके बाद ही डिप्टी सीएम पर चर्चा हो सकती है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।